25 जून को स्वर्गीय सुधीर महतो के 60वीं जन्मदिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। स्वर्गीय सुधीर महतो की 60वीं जयंती के मौके पर 25 जून को शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता, कराटे प्रतियोगिता व अन्य कार्यक्रम शामिल है। मंगलवार को निर्मल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन ने जानकारी दी। जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स पर कराटे का कंपटीशन होगा, जिस पर कई राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। वहां पर केक कटेगा और जिला समिति से हम लोग यहां पर जिला स्तर से उनका स्वर्गीय सुधीर महतो का 60वां जयंती दिवस मनाएंगे। अब खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड राज्य चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का चुनाव बुधवार को होना है। सदस्यों ने मंगलवार को तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक एमजीएम अस्पताल में आयोजित हुई। जॉनी मुखी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। 3 पदों के लिए कल होने वाले चुनाव में यदि मतदान की नौबत आती है तो मतदान होगा, अन्यथा प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना जाएगा। जो आने वाला चुनाव है 22/6/2016 को, उसके लिए रणनीति तैयार की है और तमाम मेरे जो एमजीएम के कर्मचारी हैं वो सब रहेंगे कल के चुनाव में। उसमें सिर्फ डॉक्टर्स छोड़ के बाकी सारा टेक्नीशियन स्टाफ, नर्सेस, ड्रेसर, टोटल A to Z, सफाई सेवक, कस सेवक, ऑफिस स्टाफ, हमारे जितने किरानी हैं सब इसमें। कितने पदों के लिए चुनाव होगा? के लिए 3 पद होती है चुनाव, जिसमें अध्यक्ष पद और सेक्रेटरी के पद होते हैं मंत्री जी के और कोषाध्यक्ष, 3 पद होते हैं। मनीफिट बगान एरिया में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने तथा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वरीय आरक्षी अधीक्षक से की है। मनीफिट बगान एरिया में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने, शराब बिक्री पर रोक लगाने, आपराधिक किस्म के लोगों के जमावे को बंद कराने सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा SSP को ज्ञापन सौंपा गया। अपराधियों द्वारा जान से मारने की धमकी से खौफजदा जयप्रकाश शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। हम लोगों ने 2 को पकड़ के दिया था। SP साहब ने बोला था कि शराब अब नहीं बिक्री होगी। शनिवार को हमने टेलीफोन किया SP साहब को सामने कि शराब फिर से शुरू हो गई है बिक्री होना, आज फिर से शराब शुरू हो गई है बिक्री होना, जबकि SP साहब बोले थे कि नहीं बिक्री होगा। इसी संबंध में आज क्या कर रहे हैं आप लोग? उसी संबंध में आए हुए, शराब बिक्री बंद कराई जाए वहाँ, शराब के कारण ही सारा अपराध वहाँ होता। एमजीएम अस्पताल के एक चालक को दिन में ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत पाया गया। मीडिया के समक्ष उसने साफ जाहिर किया कि वो नशे में है। इस बाबत जब अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो निश्चय ही एक्शन लिया जाएगा। कोविड में क्या है वाला? क्या है वाला? शराब पिए हुए हैं? क्या नाम आपका? शराब पी के ड्यूटी करना मना है, अभी वो ड्यूटी में। कौन ड्राइवर है? पाउच भी लिया हुआ था साहब, देख रहे हैं क्या पा रहे हैं उसको? कहाँ तक उचित पा रहे हैं? इसी तरह से उचित नहीं है। यदि वो ड्यूटी में है, पिए हुए है, तो